Hello everyone, my name is Raman Luthra and welcome to Banks Exam Today official YouTube channel. आज हम FCI accounts के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर बेटे एक टॉपिक है टैक्सेशन, जिसको अगर आप पढ़ने बैठो तो बेटे पूरी जिंदगी निकल जाएगी पढ़ते पढ़ते। तो हमें सर टैक्सेशन को कैसे पढ़ना है, हम उसको कैसे कंप्लीट करें, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें एग्जाम्स के लिए। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बेटे जो टैक्सेशन से क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड आते हैं, कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई टैक्सेशन के बारे में कैसे इंटरप्रेट करता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन कितने हेड्स होते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न के बारे में, चालान्स के बारे में, TDS के नए प्रोविजंस के बारे में, कुछ अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में, इधर से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। टैक्सेशन के डीप में जाके क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा IBPS के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और बच्चों के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम टैक्सेशन के बारे में थोड़ी पढ़ाई करें आज। हाँ, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको अपनी जो क्या कहते हैं FCI की मॉक टेस्ट सीरीज की तरफ ले चलूंगा। टैक्सेशन के बारे में क्वेश्चन, मिस्टर ए डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड हैविंग फॉलोइंग इनकम इन असेसमेंट ईयर 21-22। कह रहा भाई मिस्टर ए जो कि एक डायरेक्टर है, उसने सैलरी कमाई 12 लाख रुपीज की और इंटरेस्ट इनकम उसकी 1 लाख रुपीज की, कुछ FDs होंगे उसकी, बढ़िया। मिस्टर ए इज रिक्वायर्ड टू फाइल विच ITR फॉर्म, बट ITR इनकम टैक्स रिटर्न का कौन सा फॉर्म उसको फाइल करना है। जनरली काफी सारी जनता ITR 1 सहज के अंदर आती है, बट इस केस के अंदर मिस्टर ए एक डायरेक्टर है, मतलब बेटे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसका इनकम ज्यादा छुपाने के तरीके इसको पता हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको थोड़ी सी सहज फॉर्म, मतलब इजी फॉर्म नहीं, थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म भरना है। तो जहां पर डायरेक्टर लिखा हुआ आगे बेटा, जहां पर मिस्टर ए डायरेक्टर बन गया वहां पर उसकी डिटेल्स जो मांगेगी गवर्नमेंट वो ज्यादा मांगेगी, इसलिए हमने इसको ITR 2 के अंदर लेके चलेगी गवर्नमेंट। आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेंगी उसमें हर एक ITR के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी ITR किसको फाइल करनी है। अब ITR 2 में क्या लिखा हुआ है, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम PGPP प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए बेटे, वो डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी नहीं होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टर है मतलब किसी कंपनी का तो उसको ITR 2 के अंदर आना है। अगर वो इंडिविजुअल HUF है जिसने अनलिस्टेड शेयर ले रखे हैं, इसका मतलब क्या बेटे, अगर उसने प्राइवेट कंपनी के उसने शेयर ले रखे हैं, मतलब वो एक ओनर है प्राइवेट कंपनी का। पब्लिक कंपनी के तो सारे ले लेते हैं बेटा, आप मार्केट में जाके 2-3 शेयर रिलायंस के ले लोगे, ठीक है, आप 1-2 शेयर के ओनर हो, बट रियल सेंस में आपके ओनर हो नहीं। बट अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं तो आप उस कंपनी के ओनर ही माने जाओगे, आप डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि लोग बहुत कम होते हैं। तो इन्होंने बोला अगर कोई भी इंडिविजुअल HUF जिसके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो उसको ITR 2 फाइल करने, चाहे उसकी जितनी मर्जी इनकम हो चाहे उसकी इनकम कम हो, ठीक है जी। हाँ, थ्रेश होल्ड से अगर कम है, जो रिक्वायरमेंट ही नहीं इनकम वो फाइल करने की, तब नहीं करनी, ठीक है। हाँ, अब थर्ड पॉइंट आया, इंडिविजुअल इनकम हैविंग 50 लाख, जहां 50 लाख से ऊपर चली गई इनकम, आप ITR 1 सहज से हटके ITR 2 में आ जाओगे, ठीक है जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, विच चलान इज यूज टू पे बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। सर हम ये क्या कहते हैं चलान चलान के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया बेटे लास्ट टाइम SEBI के पेपर में, IBPS ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बेटे ये वाला आया था ITNS 281 के ऊपर, TDS के रिस्पेक्ट में आया था। इस केस में क्या आंसर है, इस केस में आंसर है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स का ITNS 283। बेटे ये चलान होता है, जब आप पेमेंट करने जाते हैं ना किसी मतलब गवर्नमेंट को, तो हमें कोड डालना होता है, तो उस कोड का बोला जाता है ITNS 283। अगर वो TDS की तरफ का है तो हम लिखेंगे ITNS 281। अगर वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मैं अपना खुद का टैक्स पेमेंट करने जा रहा हूँ एंड के अंदर, तो मैं ITNS 280 करूंगा। तो इसके अंदर सारी की सारी बेटे चलान की डिटेल्स हैं, ITNS 280 से लेके ITNS 287। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ बैंक टैक्स लगाते हैं 0.1% का, अगर आपका कुछ कैश ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो। और इसको आप कंफ्यूज मत करना सेक्शन 194N से, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट का पार्ट है, जिसके अंदर बोला गया कि अगर आप बैंक से कैश विदड्रॉ कर रहे हो तो बैंक आपका TDS काटेगा, TDS काट के जमा करा देगा। वो TDS कौन से मतलब चलान में जमा होगा बेटे, वो ITNS 281 में जमा होगा। ओके, वो ITNS 281 में जमा होगा। अब वो वाला मैं आपको 194N थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली बार जिसने भी कैश विदड्रॉ किया बैंक से 1 करोड़ रुपए से ऊपर, उसका बेटे 2% टैक्स कटेगा।
मतलब टीडीएस, टीडीएस कट के जमा करा दिया जाएगा। अब इसके अंदर भी मतलब दो मतलब कंडीशन है, एक तो आपने रिटर्न फाइल करी है पिछले 3 साल, या तो आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है पिछले 3 साल। जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी है पिछले 3 साल, लॉजिकली इसको ज्यादा टीडीएस काटना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी डिटेल देता ही नहीं है। जिसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आप 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, तो आपका बैंक 2% टीडीएस काटेगा और हमें जमा करा देगा। कोई गलत बात नहीं है, कैश निकाला तो निकाला, हमारा टीडीएस जमा हो गया, हम सारी डिटेल दे देंगे जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, कुछ गलत चीज थोड़ी ना। और एक रिस्पेक्ट में जिसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, बेटा कहता कि मेरी इनकम नहीं, रिटर्न फाइल नहीं करी, बट उसने 1 करोड़ से ऊपर विदड्रॉ कर लिया। नहीं, इसके अंदर बेटा दो कैटेगरी बनाई गई, 20 लाख से ऊपर अगर आप विदड्रॉ करते हो कैश को, इनके लिए थोड़ा हार्श होना चाहिए ना जो अपनी डिटेल नहीं दे रहे। अगर आप 20 लाख से ऊपर विदड्रॉ करते हो कैश को तो 2%, अगर आप 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करते हो तो 5% टीडीएस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये वाली टीडीएस और सबकी इनकम टैक्स की शीट जो मैंने नोट्स बनाया वो मैं रमन सर को दे दूंगा, रमनदीप सर को, मैं रमन लूथरा सर हूँ, तो रमनदीप सर आपको वो टेलीग्राम या कहीं ना कहीं के थ्रू पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, थ्रेशोल्ड लिमिट टू डिडक्ट टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के अलावा अगर बैंक इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है तो कितने अमाउंट से ऊपर टीडीएस कटेगा, ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि बेटा काफी साल से ये वाला जो लिमिट थी वो 10,000 पे चल रही थी, बट अब वो 40,000 की हो गई है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन का होता तो वो इंटरेस्ट इनकम 50,000 की लिमिट हो जाएगी, मतलब सीनियर सिटीजन अगर 50,000 से ऊपर का इंटरेस्ट कमाएगा तब उसका टीडीएस कटेगा, और नॉर्मल हमारे जैसे सीनियर सिटीजन से नीचे वाले जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके केस के अंदर 40,000 से ऊपर अगर इंटरेस्ट कमाएगा तब बैंक टीडीएस काटेगा। ठीक है जी, हाँ ये आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर फोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आपको सारी की सारी जो फुल फॉर्म्स है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। डीटी इन DTEE स्टैंड, जो चार्टर्ड्स और सारे क्या कहते बैठे हुए CSE, क्या इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं नहीं बेटे, ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको रिवाइज करना है। ठीक है, हाँ, डीटी इन DTEE स्टैंड फॉर डबल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डीम टैक्स, डिपॉजिटेड टैक्स, नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका आंसर है बेटा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTEE, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दो मतलब ये फॉरेन में अगर आपकी इनकम है, यहाँ पे अगर आपकी इनकम है, तो दोनों कंट्रियां टैक्स ना ले ले, उसके रिस्पेक्ट में हर एक कंट्री दूसरे कंट्री से एग्रीमेंट करती है। ठीक है, पता है सर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, TDS सर्टिफिकेट ऑफ TDS ऑन सैलरी पेमेंट। सर ये तो हम हर साल निकालते हैं, हमारी रिटर्न हम इसी सर्टिफिकेट के थ्रू भरते हैं, ये है फॉर्म नंबर 16। ये आप सबको पता है, ठीक है, बट आपको सारे के सारे बेटे फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्म नंबर 16 है TDS ऑन सैलरी पेमेंट। इसका थोड़ा सा बताओ, ये TDS का फॉर्म क्या है, वो TDS के चलान क्या है, मैं मतलब थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है। आपका जब TDS काटा जाएगा तो जिसने आपका TDS काटा वो TDS के रिटर्न भर के उसकी पेमेंट करेगा। ठीक है बेटा, रिटर्न भर के उसकी पेमेंट करेगा। अब जब वो रिटर्न भर के उसकी पेमेंट करेगा तो उसके अंदर जो चलान की पेमेंट होगी, जो कोड डालेगा, वो हम चलान अभी देख कर आए। ठीक है बेटा, हाँ, अब जब वो पेमेंट हो जाएगी आप उसके पास जाओगे कि हाँ आपने मेरा TDS काटा है, उसका प्रूफ दो मेरे को, तो इनकम टैक्स साइट उसके प्रूफ के फॉर्म में बेटे उसको क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट देता है TDS के। हाँ, अब उसको आप बोलते कि वो सर्टिफिकेट दो कि आपने मेरा TDS काटा और जमा करा दिया है, तो वो आपको बेटे फॉर्म 16 देता है। ठीक है, तभी बेटे वो फॉर्म 16 घर लेकर आते हो और उसको देकर अपनी रिटर्न फाइल करते हो। फॉर्म नंबर बेटे 16A, TDS ऑन नॉन सैलरी पेमेंट। ठीक है, सैलरी का अलग और बाकी सारी सैलरी का इसके अंदर आ जाएगा। ये सारी बेटे फ्रीक्वेंसी ड्यू डेट्स पढ़ लेना, आ सकती है। फॉर्म नंबर 16B, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, TDS के चलान आपको समझ में आते हैं जो हमारे 281 के अंदर जा रहे थे? दो स्पेशल केस है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ये स्पेशल केस है। इसके अंदर बेटे 26Q होता है, 26Q करके होता है, वही रिटर्न होती है और वही चलान होता है, स्पेशल केस है। ठीक है, इसकी भी डिटेल मैं ट्राई करूंगा कि आपको दे दूं। फॉर्म 16C होता है बेटे TDS ऑन रेंट। अगर आप रेंट दे रहे हो 50,000 पर मंथ से ऊपर, तो आपको क्या कहते हैं, TDS काटेगा, जो TDS काटेगा वो अपना सर्टिफिकेट की मैंने आपका TDS काट के जमा करा दिए, आप फॉर्म 16C ले लो। तो 16, फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C याद करना है अच्छे से। ठीक है, एक आज का आखिरी क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज के अंदर मिलेंगे।
हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट इन एचएसएन कोर्स अंडर जीएसटी कैन बी। ओहो, एचएसएन क्या होता है सर? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये मतलब हमारे जो पूरा क्या कहते हैं जीएसटी का एक्ट है, वो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। उसके अंदर 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 कोड होते हैं कि आप स्पेसिफिक कौन सा काम कर रहे हो, उस कोड को देख के बंदा बता सकता है कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या काम करते हो, क्या बेचते हो, क्या सर्विस देते हो। तो हाईएस्ट कितने हो सकते हैं? इसका आंसर है बेटे 8 डिजिट्स, विद इफेक्ट फ्रॉम, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर अ जीएसटी टैक्स पेयर जिसकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है प्रिसीडिंग ईयर के अंदर, तो उसका 6 डिजिट का एचएसएन कोड हो जाएगा। पहले बेटे 4 होता था, अब 6 हो गया। बात समझ में आती है? हाँ, एचएसएन कोड उनका हो गया 6। 5 करोड़ से नीचे वालों का क्या? द टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी फर्स्ट 4 डिजिट एचएसएन कोड, उनके लिए 4 डिजिट का छोटा लेवल का। अब कस्टम के अंदर बेटे एचएस कोड इज प्रिस्क्राइब्ड एज हेडिंग 4 डिजिट्स, सब हेडिंग जो 2 और थे फिर 6 डिजिट, और टैरिफ, टैरिफ की 2 डिजिट और, तो टोटल बेटे 8 डिजिट्स हो जाती है, टोटल 8 डिजिट्स हो जाती है। सो मैक्सिमम डिजिट्स कितनी हो सकती है बेटा? 8। आंसर इज 8, आंसर इज 8। आज अपना ये टैक्स की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बड़े सारे क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं अपने मॉक टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। सर हमें मॉक टेस्ट सीरीज दिखाओ, हमारा तो बड़ा मन कर रहा है लेने का। ये बैंक्स एग्जाम टुडे की साइट है, यहाँ पर आपको बेटे ये FCI AGM accounts इस पे क्लिक करना है बेटे, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर बेटे देखो अभी आपके सारे के सारे मॉक टेस्ट आ जाएंगे। इसके अंदर जो रेलिवेंट डिसिप्लिन है, जो अकाउंट्स, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सब कुछ, कमर्शियल लॉस, वो सारे मैंने कवर किए। ओहो, सारे के सारे टेस्ट लाइव है, हमने सर ये बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और हम खरीद लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर लो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।